बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करने लगे हैं इंतहाई मज़ेदार एक यूनिक तरीके से चिकन कढ़ाई, जिसके लिए एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है मैंने ब्लेंडर में डाल ली है। एक गठरी लहसुन की शामिल करते हैं, अदरक का शामिल करते हैं, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। एक कप भर के इसमें दही का शामिल करते हैं और इसको ब्लेंड करके एक स्मूथ सा मिक्सचर जो है तैयार कर लेते हैं। ये जो मिक्सचर तैयार किया है इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। 800 ग्राम ये हमने चिकन लिया है, चिकन इसमें शामिल करते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने देते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं। अब हम इसमें से चिकन निकालते हैं और उसको पैन में डालते हैं। पैन में हम डालते हैं तकरीबन 3-4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चिकन जो हमने मैरिनेट किया है, चिकन में से चिकन निकालते हैं और इसमें रख के हम उसको थोड़ा सा बीफ करते हैं। चिकन को अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए चिकन पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, हमने इसको दोनों साइडों पे फुल गोल्डन कलर तक फ्राई करना है। ये देखिए चिकन को दोनों साइडों पे ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम करते हैं इसको साइड पर, इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। चिकन फ्राई हो गया, ग्रेवी तैयार करने के लिए 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल में शामिल करते हैं 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और 6 से 7 अदद लौंग। इनको थोड़ा सा कड़कड़ाते हैं, मसाला कड़क गया। अब ये ग्रेवी हमारी बची है, ये हम इसमें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करते हैं, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करते हैं, 1 टीस्पून मसल के कसूरी मेथी शामिल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये देखिए ग्रेवी का तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो गया है, घी इसने छोड़ दिया। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ चिकन इसमें शामिल करते हैं। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं कि चिकन की जो कसर रह गई है वो भी इसमें पूरी हो जाए, चिकन अच्छे तरीके से अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त चिकन जो है वो तैयार है। देखिए ऑयल जो है वो मसाले ने छोड़ दिया, मसाला बिल्कुल रेडी है, चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाते हैं। ये लेकिन माशाल्लाह से ज़बरदस्त दही मसाले वाला चिकन हमारा जो तैयार है, अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट और इंतहाई मज़ेदार चिकन जो है वो तैयार हुआ है। टेस्ट करते हैं, वाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। मेरे तरीके से आप भी लाजमी बनाइएगा और यकीनन आप इस टेस्ट को इंजॉय करेंगे। दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।